आवाज बदलते छत्तीसगढ़ की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 जून से यात्री ट्रेनों के संचालन शुरू हो गई है। ऐसे में रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुगम परिवहन हेतु जिला ऑटो चालक संघ रायगढ़ संयुक्त कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक लिया गया, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सभी ऑटो वाहन में सैनिटाइजर की सुविधा, नोजल मास्क की अनिवार्यता, यात्री विवरण रजिस्टर ऑटो में रखे जाने के निर्देश दिए। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 जून से यात्री ट्रेनों के संचालन के निर्णय के अनुरूप रेलवे स्टेशन से यात्रियों के सुगम परिवहन हेतु जिला ऑटो चालक संघ रायगढ़ के पदाधिकारियों का श्री सुमित अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी एवं श्री राजकुमार मीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ के संयुक्त अध्यक्षता में थाना यातायात परिसर रायगढ़ में समीक्षा बैठक लिया गया। समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सभी ऑटो वाहन में सैनिटाइजर की सुविधा, नोज मास्क की अनिवार्यता, यात्री विवरण रजिस्टर, ऑटो में केवल 2 यात्री बैठने का अनुबंध एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु यात्री एवं चालक के बीच ट्रांसपेरेंट पर्दा लगाने के निर्देश दिया गया। बैठक में पूर्ण दस्तावेज युक्त ऑटो वाहन का चिन्हांकन कर प्रीपेड बूथ के माध्यम से संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए दूरी एवं किराया परिवहन व यातायात विभाग द्वारा निर्धारित की गई है तथा किसी भी प्रकार का निर्देशों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित ऑटो चालक के रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। संधारित यात्री रजिस्टर में ऑटो चालक द्वारा संबंधित यात्री का समग्र विवरण संधारित किया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा की प्रति संघ के पदाधिकारियों को दी गई। समीक्षा बैठक में नगर निरीक्षक SNC, RPF प्रभारी निरीक्षक ML यादव, जिला ऑटो संघ रायगढ़ से संजय वाजपेयी अध्यक्ष, विजय महंत सचिव, भू नंदन दास कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ ऑटो चालक उपस्थित रहे। जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुआ है, 1 जून से यहाँ पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेन आएगी और 3 ट्रेन जाएगी। इस तरह कुल 6 ट्रेन का आना जाना यहाँ पर डेली होगा अब से। तो जो भी यात्री ट्रेन से यहाँ पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ऑटो और टैक्सी की सुविधा चिन्हांकित कर उपलब्ध कराने हेतु शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी तारतम्य में आज ऑटो संघ की आज बैठक बुलाई गई थी कि जब वो रेलवे स्टेशन पे अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो किस तरह उनको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और कितने सवारी बिठाने हैं, और आपस में उनका जो अनुशासन रहेगा कि किस क्रम में लगाना है, कितनी गाड़ियां लगना है, उसके संबंध में आज चर्चा की गई और उनको निर्देशित किया गया है। हाँ, ये ऑटो चालकों की बैठक प्रशासन द्वारा रखी गई थी। इसमें कुछ शासन के जो आए हुए निर्देश है, उन निर्देशों को बताया गया। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि गाड़ियां कौन कौन सी चलेगी और उनके दौरान जो यात्रियों को वो लोग लेके आएंगे या लेके जाएंगे, उस टाइम पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह का कैसे यूज करेंगे, कहाँ पार्किंग करेंगे, ये सारी जानकारी उनको ये दी गई है और उसी के तहत ही वो लोग काम करेंगे। इसके उपस्थिति में यहाँ पर आज ये मीटिंग आहूत की गई थी। मीटिंग लिया गया था, इसमें रेलवे परिषद से जो भी पैसेंजर उतरते हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए कहा गया। 2 पैसेंजर ही अलाउ किया गया, और कहाँ छोड़ रहे उस पैसेंजर का पूरा बायोडाटा जमा करना, उनका हाथ सैनिटाइज कराना है, मास्क लगा के चलाना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, ये जानकारी हमको दिया गया है। पहले जैसा कि आपको जैसे काम कम था और अभी जैसे ट्रेन चालू हो रही है तो आपको बहुत राहत मिलेगी? जी, राहत की बात तो ऐसी है कि अभी गिने चुने लोग ही पैसेंजर उतरेंगे, उसमें यह है कि रोजी रोजगार चलेगा। जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 जून से ट्रेन शुरू होने वाली है और उस दौरान रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था के लिए उचित दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं। उस संबंध में आज ऑटो यूनियन की बैठक बुलाई गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइज करना, ऑटो को सैनिटाइज करना, साथ ही बिना क्या कहते हैं मास्क के किसी सवारी को ले जाना, ऑटो टैक्सी में भी जो वो है
कितनी सवारी बैठा रहा है, उस संबंध में जो भी उचित दिशा निर्देश शासन से प्राप्त उनकी जानकारी उनको दी गई है और स्पष्ट बताया गया है कि उसका उनको हर हालत में पालन करना है और नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई वो हम करेंगे। आज की मीटिंग में यहाँ पर जिला परिवहन अधिकारी आए हुए, साथ ही हमारे IPF से निरीक्षक महोदय और नगर निरीक्षक भी आए हुए हैं और सबके साथ बैठकर ऑटो यूनियन की बैठक हुई है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।